तो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज इसमें हम पार्ट बी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि भी यहाँ पर ईएमएफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है एंड कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं हम रेजिस्टर्स का। ईएमएफ क्या है? देखो ईएमएफ वो वोल्टेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट सर्किट में क्या करते हैं पूरे सर्किट में रिवॉल्व कराते हैं। ठीक है, पूरे सर्किट में किसी भी चार्ज को हम क्या करते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पूरे सर्किट में रिवॉल्व कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं उसका ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ एक क्या है हमारी वोल्टेज है। ईएमएफ क्या है हमारी एक वोल्टेज है। तो इसमें इस वोल्टेज में क्या होता है हमारा कि इसका इंटरनल और इसका एक्सटर्नल दोनों ही क्या होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इंक्लूड होते हैं। ईएमएफ में हमारा कंप्लीट क्या होता है ईएमएफ में हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होते हैं कंबाइन होते हैं। इसको हम वी प्लस स्मॉल वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कैपिटल वी क्या है इसकी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल में जो वी है ये क्या है हमारा इसका इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है हमारा ईएमएफ। इसको हम ई या फिर जो साइन है इसको एप्सिलन बोलते हैं। तो एप्सिलन इसको बोलते हैं हम। तो इसको हम वी प्लस कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये हमारा किस तरीके से वर्क करता है कि अगर हमारे पास कोई भी सेल है जैसे हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है। अब इस सेल के अंदर इसका कुछ इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसका एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं जैसे भी इसके टर्मिनल्स बनाए गए हैं ये प्लस और यहाँ पर क्या है ये माइनस। तो इनको कहते हैं इसका टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। क्यू यहाँ पर क्या है एक चार्ज है जिसको क्या कर रहे हैं हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जा रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ये क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ऐसा ही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अंदर की तरफ होता है उसे हम स्मॉल वी एम यू इसको बोलते हैं हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी क्या होगा इससे इसको हम डब्ल्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी हमारा कुछ वर्क लगेगा हम एक चार्ज को दूसरे टर्मिनल तक ले जाएंगे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक। तो इसमें भी वी अपॉन क्यू चार्ज वही रहेगा इसमें क्यू। तो ये इसके फॉर्मूले हैं दोनों के। तो इसमें भी हमारा देखो एक रिलेशन आता है। तो ये हमारा रिलेशन होगा कि इसमें इसे क्या कह रहे हैं हम देखो इसे कह रहे हैं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल वी इसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज जो कि क्या होती है हमारे आउटसाइड दी सेल होती है टर्मिनल वोल्टेज। और इसको बोलते हैं क्या ड्रॉप क्या वोल्टेज ड्रॉप इसको बोलते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। बस यही है ये चीजें इसमें जो मैं कर रही हूँ। अब इनके फॉर्मूले हमारे पास ये रहे। तो ये सभी हैं जो इस पर वर्क करता है। तो आपको ये रिलेशन और इसका एक और रिलेशन होता है हमारा क्या कि देखो V इक्वल्स टू IR वाला अगर हम रिलेशन लगाए V इक्वल्स टू IR। अब देखो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी वर्क करता है कि भी जो सेल के अंदर है उस रेजिस्टेंस को हम स्मॉल R से रिप्रेजेंट करते हैं जो सेल के बाहर है उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। उस रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें यूज करते हैं क्या अभी यहाँ पर है हमारा एप्सिलन मतलब ईएमएफ है ये हमारा। तो ईएमएफ को अगर हम लेते हैं किसके ऊपर डब्ल्यू अपॉन क्यू के इक्वल एंड ये हमारा क्या है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल क्यू के इक्वल है ये क्यू यहाँ पर सेम ही है चार्ज तो सभी के लिए सेम रहेगा यहाँ पर डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश ये हो गया हमारा ये टोटल इसका क्या होता है वर्क डन होता है जो इसमें यूज हो रहा है कंप्लीट सर्किट में। अब देखो इसमें और क्या क्या करना है हमें देखो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये है कि भाई हमारा जो ईएमएफ है ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप इनमें क्या रिलेशन है फिर इसमें रिलेशन आता है हमारा क्या ये हो गया हमारा सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल वही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर में हम क्या यूज करेंगे इसका स्मॉल ही वी यूज करेंगे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे। वी इक्वल्स टू आई आर होता है हमारा वी इक्वल्स टू आई आर। अगर टर्मिनल वोल्टेज है तो उसके लिए कैपिटल आर और क्या होगा आई करंट सेम रहेगा दोनों के लिए। अगर वोल्टेज ड्रॉप है अंदर वाला वी आई इसके लिए स्मॉल आर यूज होगा लेकिन करंट आई सेम ही रहेगा
ये होता है इसमें रिलेशन। अब अगर हम देखें यहाँ पर ईएमएफ देखें, ईएमएफ क्या अभी टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस का ये वाला भी और ये वाले भी ऐड करके, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस भी टोटल आएगा। अगर हम इसको वी इक्वल्स टू आईआर के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पर जो आर होगा वो क्या होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस है हमारा इनसाइड और आउटसाइड द सर्किट, तो यहाँ पर क्या होगा स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये जो कैपिटल आर है वो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर है जो हमारा सेल में रेजिस्टेंस है, इसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर लें भाई स्मॉल आर इजिकल्स टू क्या होगा, स्मॉल आर इजिकल्स टू होगा कैपिटल स्मॉल वी अपॉन में आई। अभी स्मॉल वी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल वी को हम क्या कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग स्मॉल वी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ई माइनस वी। ई क्या है, ई एम एफ, और यहाँ पर ये माइनस वी अपॉन में आई, ये कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई आई की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, आई की जगह पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर वी अपॉन आर। तो ये रिलेशन हम ये वाला प्रूव कर रहे हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू एप्सिलन वी माइनस वन इंटू में आर कैसे होता है, जैसे एप्सिलन एप्साइलन ऐसे बोल देते हैं, या फिर आप ई बोलो इसको सिंपल, ई माइनस वी अपॉन आई। आई क्या है यहाँ पर, आई देखो अगर हम इसमें कैपिटल वी लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वी अपॉन आर, वी डिवाइड बाय आर हो गया ये हमारा। अभी जो आर है सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, ये बात समझ में आ रही है, आर तो यह जाएगा मल्टीप्लाई में लेकिन ये वी नीचे रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वी से अगर हम इसको क्या कर लें सेपरेट डिवाइड करें तो यहाँ पर ई अपॉन वी और माइनस वी अपॉन वी कितना जाएगा वन, और यही रिलेशन है हमारा किसमें, स्मॉल आर मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ई एम एफ यहाँ पर ये क्या टर्मिनल वोल्टेज और इसके रेजिस्टेंस में, ये रिलेशन है जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है। तो बस इसमें अगर हम टोटल फॉर्मूला देखें तो भाई इसमें यही सिंपल फॉर्मूला है कि भाई एक तो ये हो गया हमारा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा ई एम एफ, ये वी एन ए माइनस वन इंटू आर, तो ई एम एफ वी माइनस वन और आर, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ई एम एफ एन टर्मिनल वोल्टेज में रिलेशन, ये भी कह सकते हैं हम। और ई एम एफ टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हो गया एंड वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज हो गया एंड ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इन इनमें रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है ये आपको याद रखना न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। और वी इजिकल्स टू आई आर वाला रिलेशन तो आपको पता ही है, वी इजिकल्स टू आई आर होता है एंड ऑल्सो वी इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये सभी हमारे किसमें यूज होंगे, न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो ये यूज करना है हमें। अब इसमें हम देखेंगे भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, और कुछ हमारे रजिस्टर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल, इससे हमारे क्वेश्चन काफी बनते हैं, इस पर बात करेंगे हम। क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये आपको पता है कि भी सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल है। अब इसको याद कैसे रखते हैं, अगर आप कोई भी है अप्लायंसेज हैं, कोई भी रजिस्टर्स है, अगर आप उनको सीरीज में क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि भी इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ऐसे करके आपने क्या किया, एक ही वायर से सारी जो भी अप्लायंसेज है वो कनेक्ट किए, इसे कहते हैं हम सीरीज। और यहाँ पर आकर इस पर आपने इसको वोल्टेज दे दिया, ये हो गया हमारा सीरीज, भी एक के बाद एक हमारा क्या है अप्लायंसेज कनेक्ट है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, देखो सीरीज में सभी इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मतलब करंट एक ही रहेगा, मीन्स करंट सभी के लिए सेम रहेगा आई आई आई, लेकिन इस केस में क्या होता है वी डिवाइड हो जाता है, अगर इसमें कैपिटल वी इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा वी वन वी टू वी थ्री, इनको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ओके यहाँ पर क्या मिलेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा वी थ्री, और इसमें रेजिस्टेंस इसका अगर हम ऐड कर लेते हैं आर वन इसका रेजिस्टेंस, आर टू और इसका रेजिस्टेंस आर थ्री, देन अब इसको हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं वी इजिकल्स टू आई आर। तो देखो इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना, वी इजिकल्स टू आई आर ये भी आ सकता है, तो हमें सबसे पहले लेना है वी इजिकल्स टू आई आर इसमें इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और आपको पता है वी नो इन सीरीज करंट इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइड, तो आप यहाँ पर ले सकते हो कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो कितने होगी वी वन वी टू एंड वी थ्री। वी की जगह क्या रख सकते हैं हम आई आर, वी के प्लेस पर क्या रखेंगे हम आई आर, तो यहाँ पर वी वन की जगह क्या हो जाएगा हमारा आई आर वन, यहाँ पर आई आर टू और यहाँ पर आई आर थ्री, सिंपल इसमें से आई कॉमन ले लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो आई अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से सभी में क्या आ रहा है हमारा आई कॉमन होगा कि करंट क्या है यहाँ पर सेम है, तो आर वन आर टू आर थ्री, बस यही हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हो जाएगा
सीरीज में अगर टोटल हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या होगा, आर वन आर टू आर थ्री। इसका मीनिंग ये भी है कि भाई इसका डिसएडवांटेजेस है अगर आप सीरीज में अप्लायंसेस को कनेक्ट कर रहे हो। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ये आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या है कॉम्बिनेशन इन सीरीज के। तो देखो सीरीज में एक तो टोटल रेजिस्टेंस हाई हो जाता है कि भाई हम लेट कर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस 5 है, इसका 10 है, इसका भी हमारा 15 है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हाई हो जाएगा हमारा, 5 और 10 15, और फिर हम 15 कर लेंगे 30, टोटल रेजिस्टेंस 30 हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है रेजिस्टेंस। और क्या है डिसएडवांटेजेस, अगर कोई भी अप्लायंसेस क्या होता है उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है, तो अदर अप्लायंसेस भी क्या होते हैं वहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सप्लाई लैग कर लेते हैं, भाई यहाँ पर सप्लाई आ रही थी, यहाँ से सप्लाई क्या हो गई बंद, तो ये आगे सप्लाई जाएगी नहीं, तो ये भी आप इनको भी नहीं चला सकते हैं। जब ये सही होगा, जब इसको आप क्या कर दोगे, रिपेयर कर दोगे, या फिर इसको क्या कर दोगे, डिस्प्लेस करोगे, यहाँ से कोई नया अप्लायंस यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे, तभी ये प्रॉपर वर्किंग करेगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि भी हाई रेजिस्टेंस होता है, और क्या होता है प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते हैं, पोटेंशियल क्या होता है डिवाइड हो जाता है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसीलिए जो हाउस होल्ड में क्या होती है हमारी वायरिंग होती है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये तो हो गया हमारा सीरीज का क्या है डेरिवेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको ऐसे ही लेंगे, तो इसमें पहले हम लिखेंगे ये भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है इक्वल्स टू आई आर। फिर हम लेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू वी थ्री एंड सोन। आप ऐसे दिखा सकते हो क्योंकि हमें नहीं पता कि भी उसमें थ्री रजिस्टर्स हैं, और भी रजिस्टर्स हो सकते हैं, तो एंड सोन आप ऐसे भी दिखा सकते हो उसको, तो एंड सोन ऐसे दिखाओगे तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से आ जाता है। तो इसी टाइप से हमारा आ जाता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि आपने इन सभी में से आई कॉमन लिया है और से ब्रैकेट हटा दो, एंड सोन, तो ये हो गया हमारा आर, जो हमारा टोटल होगा सीरीज में वो कितना होगा, आर वन आर टू आर थ्री एंड सोन। बस यही है इसका डेरिवेशन। अब हम इसमें बात करते हैं पैरेलल की, तो अब देखेंगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है रेजिस्टेंस का। तो वही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर ले सकते हैं कि भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या होगा, यहाँ वी इज इक्वल्स टू आई आर। इस बार देखो पैरल कनेक्शन का मीनिंग क्या है, पैरल कनेक्शन का मीनिंग है कि भी एक अप्लायंसेस आपने ऐसे कनेक्ट किया, इसे सप्लाई दी। अब हम क्या करेंगे इसमें कि सभी अप्लायंसेस को अलग अलग सप्लाई देंगे, कुछ इस टाइप से कि हर एक अप्लायंसेस का प्लस इसके प्लस से ही कनेक्ट होगा, और इसका माइनस इसके माइनस से ही कनेक्ट होगा। सभी के लिए इंडिविजुअल वायर होंगे, इसके लिए लग जाएगा, इसके लिए अलग जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि देखो इसी से तो कनेक्ट हो रहा है, ये इसी से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसकी जो सप्लाई क्या हो रही है डायरेक्ट, यहाँ पर पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ऐसा हम कह सकते हैं। इसे कहते हैं हम क्या, पैरेलल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम टू वायर्स एक साथ लेके आते हैं, टू वायर्स लिए, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, ठीक है, अब इसमें कोई दूसरा अप्लायंस अगर हमें कनेक्ट करना है, यहाँ से लेके आए हम, यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ही वायर ले गए, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। लेकिन अगर हम ऐसे ही कर रहे हैं कि भी ये जो अप्लायंसेस है हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि भी यही इधर यहाँ बल्ब किया हमने कनेक्ट, तो यहाँ बल्ब किया कनेक्ट, और यहाँ बल्ब किया एंड फिर इसको सप्लाई को उधर कर दिया, ये हमारे क्या है सीरीज कनेक्शन है। अब हम देखेंगे इसमें कि भी पैरेलल में क्या होता है। देखो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास, तो करंट डिवाइड होगा। इस बार करंट डिवाइड होगा तो जो भी वैल्यू डिवाइड होगी उसको लिखेंगे हम कि भी टोटल जो इसका करंट होगा सर्किट का आई, वो किसके इक्वल होगा, आई वन आई टू एंड आई थ्री। अब इसमें अदर भी रजिस्टर्स हैं कुछ, तो हम एंड सोन लगा सकते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होगा, वी अपॉन आर। अब इनके लिए रजिस्टेंस अगर हम लेते हैं भाई आर वन आर टू आर थ्री एंड सोन, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, वी की जगह क्या लेंगे, देखो आई की जगह क्या लेंगे, वी अपॉन आर, तो इसकी जगह तो हम वी अपॉन आर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आई की जगह क्या लेंगे, वी अपॉन आर वन। अब देखो इस बार वोल्टेज क्या होगी, सेम रहेगी सभी के लिए, क्या रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सभी को सेम वोल्टेज मिल रही है, सभी को सेम वोल्टेज मिल रही है, वी अपॉन आर, यहाँ पर आर वन, वी अपॉन आर टू एंड वी अपॉन आर थ्री एंड सोन, इस तरीके से चलेगा ये। अब क्या करेंगे हम इसमें, वी अपॉन आर, वी कॉमन लेंगे, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू
वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन, ये हो जाएगा अभी से भी कैंसिल, वन अपॉन आर इजिकल्स टू वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन, ये हो गया हमारा, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो ये हमारे क्या होता है, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं हम, इसे क्या करते हैं रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, तो ये होता है हमारा इसका डेरिवेशन। अब इसमें कहते हैं कि भी अगर सेम रेजिस्टेंस है, अगर हमारा सेम रेजिस्टेंस है, सभी रेजिस्टेंस सेम हो जाए, तो इसमें क्या केस होता है हमारा, अगर ऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सेम है, यहाँ पर हम पैरेलल कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, अगर ये सभी सेम हो जाए, क्या हो जाए, आर 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 हो जाए, सेम ही रेजिस्टेंस है एंड सो ऑन, तो कितने टाइम्स हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ वन अपॉन आर, यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसका टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन, क्यों, क्योंकि आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल करोगे, जो होता है ऐसी सीरीज में अगर क्या है हमारा आर सीरीज में आर वन आर टू आर थ्री है, और ये भी हमारे क्या हो जाए सभी सेम हो जाए, आर 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 हो जाए, तो अभी कितने टाइम्स है हमें नहीं पता, जितने भी टाइम्स है ये एन टाइम्स हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं एन इंटू आर कह सकते हैं, ये रिलेशन हम यूज करते हैं। जैसे कि भी अगर हमारे पैरेलल में टू रेजिस्टेंस हमारे पास आर वन और आर टू, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसमें केस सेकंड हम ये ले सकते हैं कि अगर हमारे पास टू रेजिस्टेंस है आर वन आर टू, तो अब इनको अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो आप इसमें यहाँ पर इनका एलसीएम ले सकते हैं आर वन आर टू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर टू और आर वन, तो बस यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइड में कितना आर वन प्लस आर टू, ये क्या हो जाएगा इसमें इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल में, बस ये करना है इसमें, तो सिंपल ये हो गया हमारा इसमें सेकंड केस, ये केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, इस टाइप से हमें क्या करना है इनको सोल्व करना है। अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे अब हम। अब देखो जैसे इसके सोल्व एग्जाम्पल हैं, ये सभी आपको करने हैं, इसी टाइप के हम इसमें क्वेश्चन करेंगे जो भी हमारे अनसोल्व हैं। ओके, तो अनसोल्व में हमारे ये आ जाता है, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके, और फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, जैसे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैव द सेम इक्वेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ए बी सी डी, इनमें सेम इक्वेलेंट रेजिस्टेंस किस किस का होगा, तो आप क्या करोगे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस निकाल देना है। सिंपल आप क्या करोगे भाई, रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे, टोटल रेजिस्टेंस इनका कितना होगा, और देखो किसका सेम आता है। तो अगर हम देखें इक्वेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले सबसे पहले यहाँ पर जानना है कि भाई किसका कौन सा सीरीज में है, कौन सा कनेक्शन पैरेलल में आ रहा, तो बताओ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कैसे पहचानोगे कि ये सीरीज है ये पैरेलल है, तो बस आप देखो इसके जो भी वायर्स हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, टू ओम कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है इसके पास अलग और इसके पास अलग, ऐसे समझ सकते हो आप, और यहाँ से इसके पास अलग और इसके पास अलग, ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद कोई दूसरा हमारा रजिस्टर इसमें कनेक्ट है जिससे के साथ वो क्या कर रहा है सीरीज बना रहा है, तो ये पैरेलल है आपस में, ये दोनों पैरेलल है, इनको हम क्या कह सकते हैं कि पैरेलल, और पैरेलल का जो हमारा टोटल होगा, तो आप ये या तो ऐसा लगा सकते हैं कि भाई इसमें जो टोटल होगा पैरल में, तो वन अपॉन आर वन करके ऐड करते हैं, वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू, वन अपॉन ये कितना हो जाएगा, टू एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ रहा है, वन ही आ रहा है, हाफ और हाफ वन आएगा क्योंकि वन प्लस वन, तो वन अपॉन आर टोटल कितना हो जाएगा, टू डिवाइड बाई टू वन हो जाएगा, इसका मीन्स यहाँ पर वन अपॉन आर टोटल जो होगा इसका पैरल में वन होगा, वन अपॉन वन कह लो या फिर आर टोटल कितना होगा वन, ये है इसमें सिंपल। अब हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड वाला करेंगे, थर्ड में भी देखो, ओ सॉरी सेकंड वाला पार्ट करेंगे इसका बी पार्ट, इसमें भी देखो थ्री रजिस्टर्स हैं और ये हमारे पैरेलल में है, क्यों, ये देखो एक्स के साथ इसका अलग कनेक्शन, वाई के साथ इसका एक्स और इसका वाई, इसका एक्स इसका वाई, इसका एक्स इसका वाई अलग अलग कनेक्ट है इसमें, आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये हमारे पैरेलल में, ये हमारे पास पैरेलल में पैरेलल कनेक्शन, ये हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है एक्स और वाई, तो इसमें पैरेलल कनेक्ट कर लो, इसका जो टोटल होगा वो वन वन एंड टू ओम, ये हमारे पास यहाँ पर कर लेंगे, वन अपॉन वन, वन अपॉन वन एंड वन अपॉन टू कर लो, वन अपॉन आर टोटल कितना हो जाएगा,
वन, ये वन और वन कितना हो जाएगा टू, क्योंकि वन ही तो है, वन अपन वन वन, टू और टू एंड ये टू। अब इसको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा टू टू जो फोर और प्लस वन, यहाँ पर कितना जाएगा वन अपॉन आर टोटल, कितना जाएगा फाइव अपॉन टू, और यहाँ पर कितना जाएगा आर टोटल, कितना हो जाएगा टू अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव, या फिर इसे कह सकते हैं 0.4 ओम। तो इसका आर टोटल कितना जाएगा 0.4 ओम। अब इसमें 0.4 ओम हो गया, अब इसमें देखेंगे यहाँ पर, अब ये भी पैरेलल में ही कनेक्ट है। कैसे पैरेलल में कनेक्ट है भाई, देखो इसका एक्स वाला है और वाई वाला वायर, इसे अलग अलग वायर मिल रहा है, अलग अलग टर्मिनल मिल रहा है, इसे भी डिफरेंट टर्मिनल मिल रहा है हमें। अब देखेंगे इसे हम सी वाले पार्ट को, तो सी वाले पार्ट में भी हमें क्या पैरेलल वन और वन पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, तो वन अपॉन इसका आर टोटल कितना जाएगा वन अपॉन वन, वन अपॉन वन, वन ही आ रहा है तो ये वन ही आएगा, और आर टोटल भी कितना जाएगा वन ओम, यहाँ पर वन ओम आ रहा था यहाँ पर, तो फर्स्ट और सी वाला हमारा इक्वल है। एंड फिर हम इसमें देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे इसका डी वाला पार्ट। देखो इसमें अब डी वाला पार्ट, तो डी में क्या है हमारे पास, ये बन रहा है इसमें इस तरीके से कुछ फिगर है। अब बताओ कौन सीरीज में कौन पैरेलल है, मैम यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। देखो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर एक साथ कनेक्ट है, तो पहले सबसे पहले इनको सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको सीरीज में, जब ये सीरीज में हो जाएंगे ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो फिर ये दोनों पैरेलल होंगे, जब ये दोनों एक साथ कर लिया अगर हमने, तो फिर ये जो केस है फिर वो इसी के जैसे केस बन जाएगा भाई, जैसे ये वाला केस है हमारा कि इन दोनों को हमने एक मान लिया, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये भी अलग से कनेक्ट है एक्स वाई से, भी एक्स वाई से अलग से कनेक्ट है, वो पैरेलल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्या है वन वन है, सभी वन 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 है, इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट टू हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा टू, इसका भी टू ओम हो जाएगा। लेकिन अब इनको अगर टू ओम और टू ओम को कनेक्ट करेंगे किस में, पैरेलल में, तब ये सेम इस ये वाला सीन बन रहा है हमारा, ये वाला केस बन रहा है, इसमें कितना जाएगा आर टोटल वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, ये कितना जाएगा वन अपॉन आर टोटल, ये वही हो जाएगा हमारा टू अपॉन टू मीन्स वन, और आर टोटल कितना जाएगा वन, देखो इसमें यहाँ पर भी वन आ रहा है, यहाँ पर भी, इसका मीन्स तो क्या हो गया हमारे ए बी सी इक्वल होंगे। ए बी सी क्या ऑप्शन दे रखा है लेकिन इसने, ए बी सी डी है ये, तो ए सी एंड यहाँ पर ये डी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ए और डी ऑप्शन गिवन किया है, सी हमने सही नहीं किया है क्या। देखो वन अपॉन वन, वन अपॉन वन, वन लिख दिया हमने, एक गलती की है यहाँ पर, कैसे ये वन होगा और ये भी तो वन होगा, तो ये टू होगा ना, और ऊपर टू होगा, अगर ऊपर टू होगा ठीक है, और नीचे वन अपॉन है, तो आप या तो इसे ऐसे लिखो वन अपॉन आर टोटल इक्वल्स टू टू, तो आर टोटल जो होगा वन अपॉन टू ओम होगा, ओके, तो ये होगा इसमें हाफ ओम हो जाएगा, इसलिए इसमें ए और डी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ए में भी क्या है हमारे पास वन ओम आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर डी में भी वन ओम आ रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन कम समझ में आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन आते हैं इन पर ज़्यादा फोकस रखना है, अभी हम इस ऐसे ही और भी क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी।